नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के बारे में, उस नेता के बारे में जो कभी चुनाव नहीं हारा। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज उस नेता के बारे में जो भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी के पंचूर गांव, जो कि उत्तराखंड में है, में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनकी वहीं गांव के स्कूल में हुई और उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है। बीएससी करने के बाद महज 19 साल की उम्र में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े पीठ गोरखनाथ मंदिर में चले आते हैं और संन्यास ले लिया उन्होंने। उनके गुरु अवैद्यनाथ ने उनको दीक्षा दिलाई और सन 1994 में उनको गोरक्षनाथ पीठ का उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। गुरु अवैद्यनाथ, महंत अवैद्यनाथ का भी एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। 4 बार गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया है, 4 बार सांसद रहे हैं गोरखपुर के और 5 बार मानीराम सीट का प्रतिनिधित्व किया है। 5 बार विधानसभा लड़े हैं वो और 5 बार विधायक भी रहे हैं, मतलब 4 बार सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। उम्र ढलने लगी थी। 1994 में अपने शिष्य महंत योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं और साल आता है 1996, जब बीजेपी के टिकट पे योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से जमुना प्रसाद निषाद चुनाव लड़ते हैं और ये पहला चुनाव, ये पहला कोई चुनाव है जो योगी आदित्यनाथ 1998 में लड़ते हैं गोरखपुर कंस्टिट्यूएंसी से और 26,000 वोटों से जीत कर संसद पहुंचते हैं। उसके बाद 1999 में चुनाव होता है और ये जीत का अंतर महज 7,300 रह जाता है, क्योंकि उस समय गुटबाजी का दौर चल रहा था भी भारतीय जनता पार्टी में। इनके नेता शिव प्रताप शुक्ल, जो कि महंत योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते थे, आपसी गुटबाजी का ही नतीजा रहा कि इनको जो जीत का अंतर था वो 7,300 रहा। अच्छी फाइट दी जमुना प्रसाद निषाद ने और तब तक महंत योगी आदित्यनाथ को यह समझ आ चुका था कि यदि मुझे लंबी राजनीतिक पारी खेलनी है तो उसके लिए सिर्फ बीजेपी का झंडा काफ़ी नहीं है। और सन 2002 में उन्होंने गठन किया हिंदू युवा वाहिनी। एक प्रकरण बीच में आता है जब कुछ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का के लड़के किसी दुकान पे जाते हैं, सामान को लेके कुछ विवाद होता है और वहाँ के दुकानदार बंदूक निकाल के कुछ तो फायर वगैरह करता है। उस प्रकरण में काफ़ी हो हल्ला मचता है। यूनिवर्सिटी के छात्र एकजुट होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने बीच में आते हैं महंत योगी आदित्यनाथ और तब जाके लोगों को उनके तेवर के बारे में पता चलता है। जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो एसपी कार्यालय की दीवार पर चढ़ जाते हैं और उनका उग्र रूप जनता के बीच में देखने को मिलता है। उनके बगावती तेवर, उनका भाषण देने का तरीका लोगों को पता चलता है और सबको पता ही है कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं। उसके बाद वो उभर के आते हैं विश्व हिंदू युवा वाहिनी के गठन करने के बाद क्षेत्र में हिंदुत्व के नाम पे लोगों का एक बड़ा वर्ग योगी आदित्यनाथ से जुड़ता चला जाता है और साल आता है 2004। 2004 में तीसरी बार योगी जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और इनके सामने समाजवादी पार्टी से वही जमुना प्रसाद निषाद और ये जीत का अंतर 7,300 जो था 1999 में वो अब बढ़कर 1,50,000 के करीब पहुंचता है। उसके बाद साल आता है 2007। इनके खिलाफ बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी वही हैं जो 80 के दशक में दो बाहुबली नेता पूर्वांचल में,
खासकर गोरखपुर की राजनीति में हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, इन दोनों का नाम अखबार की हर सुर्खियों में प्रमुखता से छापा जाता था, क्योंकि ये दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे एक दूसरे के 1980 के दशक में। बिना इनके आशीर्वाद के कोई चुनाव नहीं लड़ता था, या दो ये दोनों के ही कैंडिडेट हमेशा चुनाव में लड़ते थे, या जिनको ये आशीर्वाद मिलता था वही चुनाव मैदान में आता था और ये चुनाव लड़ते थे। वो इनके बेटे हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को BSP से 2007 में टिकट मिलता है और योगी आदित्यनाथ इस बार और भी बढ़े हुए मार्जिन से चुनाव जीतकर गोरखपुर के सांसद बनते हैं। और अब ये जीत का अंतर 2004 में जो 1.5 लाख था वो बढ़कर 2 लाख से भी ज़्यादा होता है। उसके बाद 2014 नरेंद्र मोदी की लहर में योगी आदित्यनाथ सवार होते हैं और अब जीत का अंतर 3 लाख से ज़्यादा वोटों का था। योगी आदित्यनाथ का कुनबा काफ़ी बड़ा हो चुका था। हिंदू युवा वाहिनी पूर्वांचल और यूपी के काफ़ी जिलों में इनके वॉलंटियर काम करने लगे थे और ये ग्रुप काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था। 2017 का विधानसभा चुनाव जब 325 सीटें जीतकर बीजेपी 15 साल बाद सत्ता में लौटती है, तो बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में काफ़ी आगे रहते हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा जी और दूसरे फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य का। इन दोनों के समर्थक ये मान भी बैठे थे कि इन दोनों हमारे नेताओं को ही यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक जिस दिन शपथ ग्रहण है उसके एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ को पार्टी कार्यालय दिल्ली से फोन आता है और उनको रातों रात चार्टर्ड फ्लाइट से वहाँ बुलाया जाता है। रात को कुछ तो मंत्रणा होती है और अगले दिन इनका नाम पार्टी द्वारा आगे किया जाता है। ये यूपी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर था, जहाँ बड़े बड़े नेता देखते रह जाते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया आयाम लिखा जाता है। योगी आदित्यनाथ एक साधारण से परिवार में जन्म होता है, एक गोरक्षपीठ मठ का महंत, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद को यूपी का, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और मई में उनको बाकायदा शपथ दिलाई जाती है। और आपको याद ही होगा 2017 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है, धुआंधार जो बाहुबली हैं उन पे कार्यवाहियाँ होती हैं, उनके घरों की नीलामी होती है, इस तरह से ताबड़तोड़ कार्यवाहियाँ हमने देखी है। अब अगला चुनाव होने वाला है, 2022 में चुनाव है, देखते हैं क्या होता है। सपा के अखिलेश यादव भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आज की डेट में जो दो बड़ी पार्टियां यूपी में धरातल पे दिख रही हैं, उसमें एक तो योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में बीजेपी और उनके प्रतिद्वंदी हैं अखिलेश यादव। 2022 में देखते हैं किसकी सरकार बनती है। ये सारे जो तथ्य निकाले गए थे इंटरनेट से लिए गए थे, तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो या कुछ भी हो तो माफ़ करिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि कहीं कुछ हमें सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोगों के कमेंट कमेंट मुझे मिलेंगे। निश्चित रूप से मैं उसको अमल में लाऊंगा और अपनी त्रुटि या कुछ सुझाव हैं तो मैं उसको शामिल करूंगा। धन्यवाद।